गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। 6:45 का टाइम है। चाय चल रही है, देखो दीदी चाय ले आई हैं, चाय पी रहे हैं। और अंशु भाई हमारा इंतजार कर रहा है, वो सुबह सुबह मंदिर चला गया। हम जो बोल रहे थे मोटेश्वर महादेव, तो लाइट यहाँ पे थी नहीं, इस वजह से हम नहीं जा पाए। आपको चलते हुए हिस्ट्री बताएंगे मोटेश्वर महादेव की भी अभी थोड़ी देर में। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सफ़र जारी है। अमन भाई, हम और हिमांशु चल दिए हैं आगे की ओर। नाश्ता वास्ता कर लिया, अब जो है कमान संभाल ली है। ये धन्नो इधर पार्क है, ये देखिए, ये मिलिए आप उपलो से, कंडो से। गाइस देखिए, ऑनलाइन बिकता है ये आइटम, बहुत अमीर आदमी मिलते हैं। 25 रुपए का एक है। हिमांशु भाई चल पड़े हैं, हम चल रहे हैं नीब करोली बाबा, और यू कैन से नीम करोली बाबा, ठीक है, अलग अलग नाम से लोग बाग जानते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं काशीपुर के चैती जो है मेला लगता है यहाँ पे। चैत्र का जो महीना आता है, चैत्र महीना, और जो मैं रात मंदिर का डिस्कशन कर रहा था वो है मोटेश्वर महादेव, जो कि भीमा शंकर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। अभी आपको दिखाता हूँ, ये इधर से रोड गया है, ये वाला, ये बाला सुंदरी देवी का मंदिर है बिल्कुल रोड पे, और वो उधर है मंदिर आगे जाके। ये काफी फेमस इलाका है, अगर इसके इतिहास की बात करो तो ये महाभारत के टाइम का है। ये किला है इधर, ये जो मैदान है ना, इसमें मेला लगता है चैती का। ये द्रोणा सागर है, द्रोणा सागर नाम पड़ा है गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टडी मैंने अभी करी है ना, उसके हिसाब से ये है कि गुरु द्रोणा सागर ने यहाँ पे कौरवों और पांडवों को यहाँ पे जो है शिक्षा दी थी, ठीक है। तो भीम ने जो है प्रसन्न होकर जो है ना द्रोणा सागर की स्थापना करी थी, द्रोणा सागर बनवाया था अपने गुरु के लिए, गुरु द्रोणाचार्य के लिए। और कौरव और पांडवों का बहुत पुराना इतिहास है यहाँ पे। क्या पढ़ लेते हैं, मैं उर्दू की, इस इलाके को किस नाम से जाना जाता था, ये जो इलाका है काशीपुर, मतलब बहुत सालों पहले जो है ना इसको एक अलग नाम से पुकारा जाता था। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। एक मिनट जरा डीजल पड़वा लें, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अंशु को पिक करने, डीजल पड़वा लिया गाड़ी में। तो छोटी सी स्टोरी जो मैं बता रहा था आपको, बीच में रह गई यहाँ की एक कहानी। कहानी ये है कि मान्यता इसको, काशीपुर को पुराने ज़माने में डाकिनी और दाकिनी इस नाम से जाना जाता था, ठीक है, गोभी और गोविष्ण या गोविनाशन के नाम से भी जाना जाता था पुराने टाइम में। और यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में आई थिंक पुणे में है, भीमशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग है, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ पर जो है भगवान शिव का स्थान है। अब बहुत प्राचीन, मतलब ये जो है जगह है बहुत ऐतिहासिक जगह है, उज्जनक जगह है जहाँ पर ये मंदिर है। उज्जनक नाम उस जगह का, उज्जनक है, काशीपुर में आती है, एक्सटीरियर में है, चैती मेला है। तो जहाँ चैती मेला मेन लगता है, वहाँ बाल सुंदरी देवी हैं, माता जी का मंदिर है बहुत प्रसिद्ध। और कांवड़ यहाँ पर जब चढ़ती है ना, तो यहाँ पर ये मान्यता है कि जो लोग कांवड़ लेके आते हैं, जल लेके आते हैं ना, गंगा जल, और जो यहाँ पर गंगा जल चढ़ाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये जो है कहानियों में यहाँ पे है। तो अभी जो है फिलहाल अंशु को ले लिया, अंशु गया था मंदिर सुबह, हम लोग लेट हो गए तो यहाँ के मंदिर तो नहीं गए, हम नीब करोली बाबा के पास जा रहे हैं। और आपको मैं बाद में कभी इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और शिवलिंग है वहाँ पे, जो कि बोलते हैं कि मतलब जो है नेचुरल, खुद निकला है, ज़मीन से निकला है, ठीक है। और वो इतना बड़ा हो गया है कि सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया है, तो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, 1942-43 के आसपास कोई दुर्घटना हुई थी तो बंद कर दिया था, भगदड़ हो गई थी। तो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर हो गया वो, तो फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है दर्शन होते हैं, वहाँ मंदिर है, शिवलिंग है, उसके मैं आपको जो है दर्शन कराऊँगा किसी दिन। ओके अंशु आ गया, फिलहाल इसको ले लेते हैं। देखो गाइस, थोड़ा मूड लाइटन अप कर लेते हैं,
अंशु भाई थोड़े से भड़के हुए हैं, समय को लेकर जो है वो बहुत पंचुअल आदमी है, और मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही मतलब कंफर्टेबल हूँ हर समय में आगे पीछे। तो अभी निकल पड़े हैं यहाँ से काशीपुर से फाइनली सब लोग नीम करोली बाबा और नीम करोली बाबा के धाम जिसको बोलते हैं कैंची धाम, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है, नैनीताल के पास है ये जगह। अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो काफी गहमा गहमी हो रही है टाइम को लेके, काफी गहमा गहमी हो गई है, पता नहीं देखो ये कहाँ तक पहुंचे, ये बात बहुत दूर तक जा सकती है कि कोई कह रहा है कि घंटा तुम बहुत देर करते हो चलने में क्या तुम घंटा बजाओगे वहां जाके, तुम घंटा देर कर देते हो चलने में। सही पकड़े। अब पास में ही है हमारे गांव के, ज्यादा दूर नहीं है, अभी काशीपुर से 106 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 घंटे का रास्ता काशीपुर से, और अगर हम अपने गांव से आते इससे कम लगता। घर से निकलना 7 बजे। उसका रीजन ये है कि हमारे गांव से हम आते हैं बाजपुर रोड, टांडा से जो बाजपुर रोड गई है तो हम आते हैं दड़ियाल, और दड़ियाल से सीधा जो है बाजपुर मसवासी, और बाजपुर से हल्द्वानी से नैनीताल होते हुए अपना सीधा कैंची धाम। अभी क्या है फिर अब हम काशीपुर आ गए हैं तो काशीपुर से बाजपुर होते हुए जाना पड़ेगा। एक मिनट, सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक हो गई है और मेरे को डर लग रहा है गाड़ी चुम्मा ना ले, कोई बात नहीं बच गए। दोस्तों इधर ये एक फैक्ट्री है IGL, आपने काफी नाम सुना होगा, इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड है, ये केमिकल फैक्ट्री है, और यहाँ पे जो है ना मतलब समझ रहे हो आप, बहुत अच्छी चीज बनती है जिसे पी के आप जड़ी बूटी को रात को आपको बहुत अच्छी नींद आती है। देखो रॉयल चैलेंज समझ जाओ, मीठा पानी बनता है इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये काशीपुर में ही है हमारे IGL। पीसी है अच्छा, ये देखिए इधर चीमा पेपर मिल रही है। ओके, ये चीमा पेपर मिल है, इससे पहली वाली थी ये चीमा पेपर मिल, उसी की है क्या जो बिठाया गया यहाँ? ये काफी, ये भी भाई फेमस है चीमा पेपर मिल, जो काशीपुर से जो विधायक हैं श्रीमान हरभजन सिंह चीमा, उनके लड़के हैं वो, पूर्व है ना। अच्छा पूर्व है, अच्छा तो उनकी फैक्ट्री है ये यहाँ पे ना, चीमा पेपर मिल। ये देखिए बेहतरीन नजारा, हम आ चुके हैं नया गांव काला ढूंगी। वी आर हियर काला ढूंगी। अरे यार अमरूद ले लेते हैं यार, अमरूद ले लियो आगे सर। रामनगर लेफ्ट है, नैनीताल 37 किलोमीटर है अप्रोक्स, इफ आई एम राइट। ये चेक पोस्ट है नया गांव का, ये जान लीजिए अगर आप तस्करी वगैरह करते होंगे तो यहाँ पकड़े जाएंगे, कृपया करके जो है तस्करी वगैरह ना करें। हाँ हमारी अलग सेटिंग लेवल की है। एक बार फिर से देखिए नजारा, इतना बढ़िया सुंदर लग रहा है वातावरण, आपको ऐसा मिल जाएगा आपको, ये भाई साहब NCR में नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों इधर को आना पड़ेगा, देखो समझा करो, हमने ग्रेटर नोएडा छोड़ा भाई साहब। देखिए दोस्तों यार ये पेड़ कौन से हैं, ये वाले ये सागौन है, सागौन के आपको जो है वृक्ष दिखाई देंगे यहाँ पे, और ये जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, मैं और अंशु एक बार देख चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे इस जंगल का भी नजारा, एडवेंचर दिखाएंगे, अगर टाइम मिला तो आपको एडवेंचर दिखाएंगे यहाँ के जंगल में जाके, मैं और अंशु एक बार फंस चुके थे निकल आए हम, मैं बताएंगे हम कहाँ आ गए, चौकी पे निकले थे, यहाँ चौकी आएगी वहां से निकल के ना ना आगे आगे। हल्द्वानी से क्या मतलब है, इधर से ही पागल। नगर पंचायत काला ढूंगी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और रास्ते पर प्रथम अधिकार जानवरों का है, इसलिए इंसान साइड से होके चले। ओके देखिए दोस्तों हम इधर को निकल आए हैं, ये सीधे चला जाता है हल्द्वानी पर, हम लेफ्ट हो जाएंगे, इधर पुलिस वाले देख रहे हैं आजकल साले बच्चे उधर कोई नया ब्लॉगर कैमरा उठा उठा के। अभी हम लोग जो है यहाँ से लेफ्ट हो गए, ये काला ढूंगी है सीधे जाता है हल्द्वानी, हम लेफ्ट कट गए तो ये जाएगा नैनीताल, और नैनीताल के पास में ही है कैंची धाम नीब करोली बाबा। हे बाबा हम पे भी कुछ थोड़ा बहुत कर दो, हाँ कोई हमें भी फाउंडर बना दो, फेसबुक ना सही, हमें फेसबुक ही दे दो कहीं थोड़ी बहुत। देखो दोस्तों कितना प्यारा नजारा है, ओम फो दो
कर्नाटक आर्डर की दोस्तों, कितना तगड़ा नजारा देख रहे हो आप। ओए होए ओए होए ओए होए मिली है महाकाल। देखिए दोस्तों, प्लेन के लौंडे आ गए हैं फिर से पहाड़ों में, और पहाड़ों में आके जिस प्रकार से बोरा जाते हैं अक्सर प्लेन के लौंडे, वैसे ही हम भी जो है मंत्रमुग्ध हैं। प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें इतना मनमोहित कर लिया है कि बस पूछो मत, कुछ मन करता है यहीं घर बना ले, जैसे कि आपका भी करता होगा कि यार पहाड़ों में जरूर है। लेकिन भाई साहब दाम लगते हैं, कल्पना से परे है। दाम का मतलब यह है कि जमीन बेचनी पड़ जाएगी जो कि घर वाले होने नहीं देंगे, इसलिए हमारा घर भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही मजे लेते रहिए, जीवन के आनंद लेते रहिए, आइए जाइए। थोड़ा सा रास्ता टाइट है इधर काला ढोंगी वाला। मैं आपको थोड़ा सा एक मजाक से हटके एक चीज बता रहा हूँ कि ये रास्ता थोड़ा सा क्या है कि मतलब इस पे चढ़ाई ज्यादा है। हाँ, और चढ़ाई भी ज्यादा है, मोड़ भी बहुत ज्यादा है, बैंड जिनको बोलते हैं हम लोग, और स्टीप है एकदम ना। और जो हल्द्वानी वाला रास्ता है आई थिंक वो बेटर है, मैं आज तक उससे गया नहीं हूँ पर सुना है मैंने कि वो बेटर है। जो अगर आप दिल्ली NCR से आते हो तो वो उधर को होते हुए बताता होगा रामपुर और बिलासपुर और रुद्रपुर, और रुद्रपुर से आपको हल्द्वानी होते हुए, और जब इधर से आते हो एक शॉर्टकट है, बहुत से लोग आते होंगे आप NCR से तो एक शॉर्टकट बताता होगा मुरादाबाद से, जो कि टांडा कस्बा है, एक टांडा की तरफ को आता है, टांडा दड़ियाल बाजपुर, वो उस रूट को आ रहे हैं हम लोग बेसिकली। बाजपुर के बाद आएगा काला ढूंगी, काला ढूंगी से नैनीताल के लिए लेफ्ट टर्न होना है और आप आ गए। ये देखिए दोस्तों, रामपुरिया भाई साहब आगे जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यूपी वाइस, ये नवाब हैं रामपुर के। गाइस हम पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं, पहाड़ नीचे चले गए हैं। दोस्तों इधर बार भी है, बार अहेड बार 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 ये रहा योरा रहा योरा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, हम ये सब चीजें जो है ग्रहण नहीं करते, सेवन पान नहीं करते हम इन सब चीजों का। देखिए दोस्तों बस 8 किलोमीटर रह गया है और आप देखें नज़ारे, इतने मनमोहक सुंदर दृश्य है, देख रहे हैं आप, दिल खुश हो जाएगा। हालांकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी, आज मेरा सिस्टम थोड़ा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, मनोरंजन भरपूर रहेगा ये गारंटी है हमारी। देखिए दोस्तों व्यू कैसा आ रहा है, व्यू सब व्यू का ही खेल है दुनिया में। देखिए ये है नैनीताल, सौंदर्य का खजाना, प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब भरपूर, यहाँ को आपको मिलेंगे कोड़ा राइड, लवर्स पॉइंट है ये दोस्तों, व्यू आय हाय हाय हाय, देखा ऐसा वसूल हो गया। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में लगता है, उत्तराखंड में आप कहीं भी हैं कोई भी अगर रपड़ा करेंगे आपको यहीं आकर खींचना पड़ेगा अपने आप को, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कोई भी ऐसा काम ना कीजिए ताकि आपको यहाँ आना पड़े इस पर्पस से, कौन चाहेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। यहाँ देखिए क्या नज़ारे हैं, वाह बहुत मनमोहक दृश्य है। अंशु भाई थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नैनीताल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आइए घूमते हैं नैनीताल हमारे चैनल के माध्यम से जिसका नाम है अमित कांबोज ब्लॉग्स। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, प्यार दीजिए दोस्तों, दुनिया प्यार की भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, दे दो थोड़ा प्लीज़।